आदर दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए, वो मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सबसे जो अहम बात है, वो अहम बात है समाजवादी पार्टी पर एक सवाल उठाया है मायावती ने, और ये सवाल उठाया है मुसलमानों को लेकर के। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव 7 चरणों में चुनाव हुए हैं, 6 चरण अभी तक पूरे हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव रह गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का एक इंटरव्यू आता है जो NDTV पर दिखाया जाता है। उसमें मायावती सीधे सीधे सवाल उठाती है कि क्या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दी है, और क्या वाकई में मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज़ है। क्योंकि अगर वोटर का ट्रेंड देखा जाए तो साफ तौर पर दिखता है कि मुसलमानों ने हर हालत में नाराज़गी के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को वोट किया है। लेकिन उसके बावजूद सवाल उठता है, क्योंकि मायावती ने सवाल उठाया है कि क्या मुसलमान नाराज़ है, और क्या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की हिस्सेदारी में सेंध नहीं मारी है। आइए आपको दिखाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती NDTV से बात करते हुए क्या क्या आरोप लगा रही हैं। उनका तो इतना बुरा हाल है सपा का जो है, जब मैं पूरे यूपी में गई हूँ, खास तौर से पश्चिमी यूपी में, कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जहाँ उनका अधिकार बनता था वहां तक तो इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं। मतलब तो वो तो वैसे ही इनसे बहुत ज्यादा खफा है, इस बार नाराज है। मतलब लेकिन हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भी, हम आपको बताएंगे जो लोग कह रहे हैं हमने अति पिछड़े वर्गों को, मेरे ख्याल जितने हमने टिकट दिए किसी भी पार्टी ने इतने टिकट नहीं दिए है। अपर कास्ट को भी हमने ठीक अच्छे टिकट दिए हैं, और अब और दूसरा मुस्लिम समाज को भी जो उनकी भागीदारी बनती है उसके हिसाब से हमने उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और जो दलित वर्ग के लोग हैं तो उनको जितनी उनकी रिजर्व सीट है उससे हमने 7-8 फालतू ही दी है, जनरल सीटों पे भी खड़ा किया है। अच्छा, हमने सब समाज को पूरा एक इम्प्रेशन ये है कि आप बीजेपी के विरुद्ध ज्यादा नहीं बोल रही है, मोदी जी के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध। एक मिनट, मैं ज्यादातर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बोलती हूँ। मैं किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत अटैक, मैं चाहे तो आपने देखा हो कांग्रेस हो सपा हो, उनकी सोच पर आइडियोलॉजी नहीं, तो अभी इतना तो मैंने बोला है, अभी इतना मैंने बोला है कि बुलडोजर जो गैर मुस्लिम है तो जो माफिया है उनके ऊपर बुलडोजर और हथौड़ा नहीं चलता, ये कम है। मैं जो बोलती हूँ, अगर मान लीजिए किसी कारण से स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिला, मैं जो आपको बता रही हूँ BSP को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। जो ये सवाल पूछ रहे तब पूछना जब रिजल्ट आ जाए। BSP खराब ज्यादा है कि BJP खराब ज्यादा है, दोनों ही जो पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से मायावती ने खुले तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ जो उनकी हिस्सेदारी थी टिकट में उसको कम कर दिया है, और वाकई में कम हुआ है। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने बहुत कम टिकट दिए हैं। जिन टिकट पर दावेदारी भरी जा रही थी, जहां पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर थे, वहां पर भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिए गए। और ये सवाल बार बार इस पूरे चुनाव के दौरान उठते रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान इस सब के बावजूद भी समाजवादी पार्टी से नाराज़ हुआ है। चूँकि ट्रेंड नहीं बताता है कि ऐसा है, मुसलमानों ने ये सब कुछ झेलने के बावजूद भी वोट उसी को दिया है, ज़्यादातर जगह का माहौल बताता है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।